आपका पहले इंट्रोड्यूस करें, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुहानी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ. सुहानिया? सुहानी. सुहानी जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा ये नाम. आपका फिल्मी नाम है या असली नाम रखा है? ये मेरा एक निकनेम है, मेरा रियल नाम रिवाइवल है. क्या है? रिवाइवल. रिवाइवल? रिवाइवल. ये आपका असल नाम है? जी, रियल नेम है मेरा. रिवाइवल. पूरा नाम क्या आपका? रिवाइवल बशीर. रिवाइवल बशीर, ओके ठीक है. मैं भी बेसिकली पंजाबी हूँ. मैं गिल हूँ. चलिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, जबकि आपके पास आपकी बेस्ट फ्रेंड है कुबरा खान. ओ भाई मरवाओगे, क्या कर रहे हो यार. कहीं आप लोगों ने ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग. कहीं आप लोगों ने ये डील तो नहीं की हुई कि अगर कुछ ना हुआ आखिर में हम लोग शादी कर लेंगे? लाइक रॉस एंड हु वाज इट? I think it was Jennifer Aniston का जो character था, नाम Rachel. Rachel. Phoebe and Joey. Phoebe and Joey. हाँ, Phoebe and Joey. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. और ये मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ. पर ऑडियंस के थ्रू और मेरे थ्रू यही है कि आप कर सकते हैं ऐसा. अच्छा, मैं कर सकता हूँ ऐसा. यानी कि हाँ, वो एक तो वो भी बात सही है, दूसरा पसंद की जाएगी आपकी जोड़ी. अरे वाह वाह वाह, लेकिन बड़ी मेहरबानी है आपकी. ठीक है, थैंक यू रिवाइवल. थैंक यू. थैंक यू. रिवाइवल ने एक कंट्रोवर्सी रिवाइव कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये बात बहुत ज्यादा होती है, और मैं अपने हर इंटरव्यू में बिला नागा मैं भी और कुबरा भी इस बात को बार बार क्लैरिफाई कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है. Just because that, I mean, like, she's a family to me. She's an absolute family to me, and I can take a bullet for her. But that doesn't mean, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रिश्ते को शादी में ही कन्वर्ट कर दें तो ही वो पायदार रह सकता है. कुछ रिश्तों की अहमियत, कुछ रिश्तों की इम्पोर्टेंस, ठीक है, जैसे वो बनते हैं ऑर्गेनिकली वैसे ही रहने देना चाहिए. ठीक है, सो फॉर नाउ, ठीक है, बोथ ऑफ अस आर नॉट इन दैट हेड स्पेस. नंबर वन, बोथ ऑफ अस आर लाइक वेरी डियर फ्रेंड्स टू ईच अदर. We respect that space. We admire that space, and we respect each other. So she is a family to me. She's a very dear friend. In fact, she's my best friend. So, मैं इस चीज से जरा क्या ये आप क्योंकि बहुत हद तक फिल्मों ने ड्रामों ने एक एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते. ये बॉलीवुड फिल्मों ने दिमाग खराब कर दिया. मैं चाहूंगा आप इस पे बात करें यार, एक लड़का और लड़की आपको लगता है कि सिर्फ दोस्त? यार बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते. ये कितनी थकियानुसी और पुरानी बात है कि मतलब कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते. ठीक है ना, अगर मुझे तुमसे प्यार कर रहा है तो पहले तुम मेरी दोस्त होगी. अबे क्या बकवास है यार, सिंपल सी बात है कि मम्मी लाइक एक इंसान दूसरे इंसान के साथ डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं. मी एंड कुबरा क्लिक्ड ऑन द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप विद ईच अदर. ठीक है ना, शी इज़ अ डियर डियर फ्रेंड ऑफ माइन. और बिल्कुल इतने सालों पुरानी हमारी दोस्ती है, मतलब कि अब तो कोई 8 साल होने वाले हैं हमारी दोस्ती को. इतने सालों पुरानी दोस्ती है तो बिल्कुल रह सकते हैं दोस्त. अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आजकल आपका एक ड्रामा आ रहा है जन्नत से आगे. जी, It just now hit me that you and Kubra are such good friends. यार तालियां क्यों? क्या अगर आप जन्नत से आगे देख रहे हैं तो दोनों कुबरा और गौहर ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया उस ड्रामे में कि आपको ये एक सेकंड के लिए भी एहसास नहीं होता कि ऑफ कैमरा ये इतने अच्छे. मैं जस्ट हिट मी यार. और आपको एक और मजे की बात बताऊं, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट बोथ ऑफ अस आर लाइक वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस टुगेदर. हां, फॉर द फर्स्ट टाइम. और वो यही बात है, आई मीन शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, मतलब कि बहुत ही अंत एक्टर है वो. सो वो जो एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म है हम दोनों के अंदर वो है. और विद द फ्रेंडशिप डेफिनेटली वो एक कंफर्ट आता है कि जिसके थ्रू आप यू नो इजीली और विद नो इनहिबिशन आप परफॉर्म कर सकते हैं. सो वो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है नेचुरली. सो या, और जन्नत से आगे में आई थिंक आई मीन कुबरा इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट All the other actors, Talha, Ramsha, fantastic. Yeah, Jannat se aage ke liye bata diya. 100%. Bahut acha hai.